तो इस कमरे में बैठने वाला है दूल्हा। बिस्मिल्लाह के साथ यहाँ पे इसने रुआ जी, यहाँ से हमें दूसरे दूल्हे की गाड़ी ने ज्वाइन कर लिया वहाँ से। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और सब अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका वेडिंग व्लॉग के पार्ट टू में। तो अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पार्ट वन देखो पहले एंड देन आप लोग पार्ट टू कंटिन्यू करो। तो चलते हैं सबसे पहले वो चीज लाने जो मैंने आपको व्लॉग की स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। करते हैं हम अपना दिन का व्लॉग कंटिन्यू। ओके, अगर आप में से कोई चैनल पर नया आ रहा है तो प्लीज एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक से देख रहा है तो फॉलो कर लेना। लेट्स गो। यहाँ से उठाते हैं चाबी एंड निकलते हैं। ओके चलो जी, कज़न की स्कूटी लेते हैं क्योंकि मेरी स्कूटी यहाँ पे नहीं है। बिस्मिल्लाह चलो। हम सुबह के 4:30 बजे सोए हैं एंड 8:30 हमें वापस उठाया, दरवाज़ा नॉक कर करके। उनको कुछ सामान निकालना था के रूम से। मेरी आंखें भी पूरी नहीं खुल रही हैं धूप से। चलो महाराज साहब खतर गए सिंह लिफाफ। ये पहुंचे हम लोग वापस। चलो अंदर पे चल रहा है काम, टोकरियां भरने का। ये देखो लहंगा लाने, जो आज के दिन लगाना है सेकंड डे पे जो लगाती है दुल्हन, वो लाने जाना है हमें। एंड वहीं से हमें जाना है मेकअप आर्टिस्ट को लाने। ठीक है, कल का लहंगा। चलो खोलो। चलो बिस्मिल्लाह। चलो चलते हैं सीधा नवहट्टा। ओके चलो, अब यहाँ पे सबसे पहले पार्किंग लेनी है। चलो हम उतारते हैं लहंगा। रट सही बट बंद। अभी जल्दी से पहुँचते हैं लहंगा वाले की शॉप पे क्योंकि ये लहंगा जो है बहुत ज़्यादा भारी है जी। शॉप इसमें डिज़ाइंस चलिए अभी चलते हैं सीधा मेकअप आर्टिस्ट को पिक करने। ओके चलो, ये बहुत ज्यादा भारी है पहले वाले से। रेटो लोकेशन पे हम पहुंच गए हैं एंड यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट का, पता नहीं वो कहाँ पे है। अभी मैं आर्टिस्ट को पिक करता हूँ एंड चलते हैं सीधा घर एंड आपसे हम सीधा घर पे मिलते हैं। ओके हाँ जी गाइस, तो ये वाली क्लिप शूट हो रही है पिछले क्लिप के लगभग 2-2.5 घंटे बाद शूट। तब से हम जस्ट काम कर रहे थे, ये सारा काम हमने फिनिश कर दिया। बात रही थी तो मेरे को तैयार होने की, चेंज करके आया घर से एंड अब जाके मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तब तक मैंने फोन रखा था चार्ज पे। अब जाके हमें देना है मेहमानों को खाना, पहले जेंट्स को देंगे। जी हो गया मेहमानों का खाना, जेंट्स को दे दिया एंड अभी हम लोग जा रहे हैं कूड़ा फेंकने।
मेरे हाथ में ये थैला इसके बाद हम पहले खाएंगे खाना एंड देन हम देंगे लेडीज को क्योंकि उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है वो इस बात बस लीजिए चलो सब समेट गए हैं एंड अभी तैयारी चल रही है खाना देने की कि तशनर में पानी हमने भर के रख लिया इसमें भी एंड इसमें भी चलो तो जी अब जाके हम लोग बैठे हैं कुछ लेट घंटे से हम लोग टेंट में काम कर रहे थे एंड अब जाके हम बैठे हैं ओ कर तो अभी जाके हमको बाद में तैयारी करनी है दूल्हे की तो इस कमरे में बैठने वाला है दूल्हा बिस्मिल्लाह के साथ यहाँ पे तो यहाँ पे बैठने वाला है हमारा दूल्हा जो कि बस कुछ ही टाइम में आने वाला है ये बज रहे हैं रात के 10 तो बस कुछ ही टाइम में वो लोग निकलने वाले हैं एंड अभी फिलहाल हमारे पास और कुछ करने को है नहीं वेल तो अभी मैं आया हूँ बाहर एंड बाहर से जो डेकोरेशन अभी लग रही है ना कसम से नेक्स्ट लेवल है वही देखो आप एकदम अलग ही लेवल का लुक आ रहा है अभी छिजलत कस्तूर सोज गाने तेरा चानो ये साज वाया छिजलत कस्तूर सोज गाने तेरा चानो ये साज वाया ये जेर बंपस जब उस नानी बबाल ये दवाई मरे हलालो ये जेर बंपस प्राइवेसी रीजंस की वजह से मेरे को वो सारा ब्लर करना पड़ा क्योंकि उसकी परमिशन मेरे को नहीं मिली कि दूल्हे का फेस नहीं लाना तो दैट्स द रीज़न कि मेरे को फेस ब्लर करना पड़ा फेस क्या मेरे को वीडियो मतलब वो क्लिप ही सारी ब्लर रखनी पड़ी चलता है नीचे करते हैं काम अगर मेरे को मौका मिला तो मैं उठाऊंगा व्लॉग अगर नहीं पाया वैसे मुझे चेंज भी करना है क्योंकि मेरे को जाना है दुल्हन के साथ तो मैं सोच रहा हूँ मैं फॉर्मल चलते हैं दुल्हन के साथ चलो इस गाड़ी के आगे है दूल्हे की गाड़ी दूसरे दूल्हे की गाड़ी ने ज्वाइन कर लिया वहां से दूसरा दूल्हा हमारे दूल्हे का भाई है वो
ऐसे इजाजत है इसने रुआ। चले जी चलते हैं घर, हो गया सारा काम। इसको रखते हैं यहाँ पे, निकलते हैं गाड़ी। चलो जी निकलते हैं घर एंड पहुँचते हैं सीधा घर, आपको कल एंड करते हैं ठीक है। तो मिलते हैं आपसे सुबह। जी गाइस, तो आज इस व्लॉग का डे टू एंड। अभी तक मैं जस्ट कर रहा था एडिटिंग, तो अब जाके मैंने एडिटिंग कंप्लीट कर ली, तो अब जाके मैं एंडिंग शूट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात आपको ये बोलनी है कि व्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे थे कि ऊपर बहुत ज्यादा काम था एंड रोज रोज फिर एक ही व्लॉग बन जाता। एक जरूरी बात, माई होम टूर बहुत जल्दी आ रहा है अब, क्योंकि अब मैं अच्छे से बना सकता हूँ अपना होम टूर। तो बस कुछ दिन बाद आएगा माई होम टूर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना एंड मुझे पता है कि चैनल अभी थोड़ी सी डाउन है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वापस खड़ा भी कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो एंड इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।